सामान्य ज्ञान, विश्व एवं भारत। भारत में प्रथम पुरुष, अगर बात करें भारत के प्रथम पुरुषों की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले तैराक मिहिर सेन थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, पहले चुनाव आयुक्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहली बार बने थे हीरालाल जयकानिया, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। भारत रत्न सम्मानित पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विभूषित विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमान गांधी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री जी शंकर कुरुप, मलयालम के लिए इनको मिला था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स ऑगस्टक हिस्की था। भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल मुखर्जी थे। भारतीय थल सेना सॉरी जल सेना का प्रधान जो थे वो थे वाइस एडमिरल कटारी। भारत का परमाणु रिएक्टर, पहली बार अप्सरा नामक रिएक्टर बनाया गया। भारत में प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, ये याद रखना है सोमनाथ शर्मा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत की प्रथम पनडुब्बी तो कावेरी, INS कावेरी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भौतिक के क्षेत्र में जीते थे CV रमन, रमन प्रभाव के लिए। चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय मूल के थे हरगोविंद खुराना, DNA के लिए जीते थे डबल हेलिक्स मॉडल। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था, बहुत सारा वजन लेके जा सकता था ये। भारत की प्रथम मिसाइल मध्यम दूरी की अग्नि है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम थे, ये चंद्रशेखर की सीमा दी थी इन्होंने। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, स्टालिन जो है वो एक प्रकार के साम्यवादी नेता हैं, तो सुफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू जो थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, यह हेक्टर नामक जहाज पर जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन है, ठीक है। दूसरी बात, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मिलकर HDI वाली जो चीज़ थी कॉन्सेप्ट दिया था। अगला, हृदय प्रत्यारोपण करता सफल सर्जन वेणुगोपाल जो है डॉक्टर हैं अच्छे। विश्व बिलियर्ड खिताब विजेता जो थे विल्सन जॉन्स थे। ग्रेमी पुरस्कार विजेता जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाले पर्वतारोही शेरपा अंगरिता। व्यास सम्मान से सम्मानित लेखक जो हैं रामविलास शर्मा है। पद्म भूषण से सम्मानित जो खिलाड़ी हैं वो पहले KC नायडू थे, क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी जो पहले थे वो थे आपके KM रंजीत सिंह, इंग्लैंड की ओर से खेले थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी, नियोगी संतानम चंदा राजमन्नार, इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। तो पहले कौन थे? KC नियोगी। अमेरिकी कांग्रेस का भारतीय सदस्य दिलीप सिंह थे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले, हैट्रिक किसने लगाई थी? हरभजन सिंह ने पहली बार। टेस्ट क्रिकेट में 3रा शतक पहली बार किसने लगाया? वीरेंद्र सहवाग ने। भारत में प्रथम महिला, अगर बात करें पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू UP, पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी UP, पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला IPS किरण बेदी, पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी।
अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा मिश्रा, यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखना है आपको, यूएनओ की पहली महिला भारतीय राजदूत। इंग्लिश चैनल को किसने तैर कर पार किया, तो आरती साहा ने पार किया। नोबेल पुरस्कार पहली बार किसने जीता, तो मदर टेरेसा ने जीता। एवरेस्ट पहली बार कौन चढ़ा, तो बिछेंद्री पाल चढ़ी। मिस वर्ल्ड कौन बना, तो कुमारी रीता फारिया पहली बार मिस वर्ल्ड बनी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार कौन चढ़ा, तो संतोष यादव जो महिला है वो एक साथ कंटिन्यू 2 बार चढ़ गई लगातार। मिस यूनिवर्स कौन बना, सुष्मिता सेन बनी पहली बार। भारत रत्न किसको मिला, इंदिरा गांधी जी को। ज्ञानपीठ पहली बार किसने जीता, आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार किसने पाया, एन लम्सडेन, हॉकी के लिए पाया था इन्होंने 1961 में। ओलंपिक में कोई भी पदक ले लिया हो किसी व्यक्ति ने, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में वजन उठाने में कांस्य पदक जीता था। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक साथ प्राप्त करने वाली व्यक्ति कुंजू रानी थी, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। लेनिन शांति पुरस्कार अरुणा असफ अली को मिला था। अंटार्कटिक जाने वाली पहली महिला मेहरू मुसा है, 1977 में पहुंच गई थी वहां पर। उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा, तो प्रीति सेन गुप्ता पहुंची। बोइंग 737 बहुत बड़ा विमान होता है, बोइंग 737, कैप्टन सौदामिनी देशमुख ने इसको उड़ाया है। भारतीय सेना की जनरल बनने वाली पहली महिला है मेजर जनरल GA राम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, अच्छा मेडल नहीं जीता है केवल भाग लेने वाली खिलाड़ी है मेरी लीला रो, 1952 में भाग लिया था इन्होंने। ओलंपिक खेलों में पदक पहली बार किसने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था भारोत्तोलन के लिए सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट, पहली भारतीय वायुसेना विमान पायलट हरिता देओल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित महिला किरण बेदी हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका है श्रीमती देविका रोनिक। और माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम आयु की पर्वतारोही डिकी डोलमा, क्या नाम है, डिकी डोलमा। बात करें प्रथम विदेश सचिव कौन बना, तो चोकीला अय्यर। प्रदेश की मुख्य सचिव बनने वाली निर्मला बूच पहली महिला है जो मुख्य सचिव बनी थी। अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना चावला को याद किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है पुरीता अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक के रूप में कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला है अंजू बी जॉर्ज, पेरिस में। शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता जो रही हैं वह हैं भाग्यश्री थिमसे। प्रथम भारतीय राष्ट्रपति जो बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस प्रकार से भारत में, ये विश्व में जो है हमारी, भारत के प्रथम पुरुष, भारत की प्रथम महिलाएं। अब अगर बात करें कुछ अदर फैक्टों की कि भारत में कौन कौन सी बार पहली पहली बार काम हुए, तो वो ऐसे हैं।